Hello students, I am Deepthi Rangnani. Today we will deal with the topic of BSc part 3, molecular orbital theory, and today we will start molecular orbital theory of covalent bond. जैसा कि हम जानते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो कि हमने पहले अणु के बनने के लिए पढ़ा था उसमें दो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सहसंयोजी बंध के द्वारा जोड़ करके संयोजकता बंध बनाते हैं. यह बॉन्ड हाइटलर और लंदन के द्वारा दिया गया था, पर इसमें कुछ कमियां थीं. उन कमियों को दूर करने के लिए बाद में संयोजकता बंध की व्याख्या को बाद में मुलिकन और हुंड के द्वारा एक नया सिद्धांत मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत दिया गया. आज अणुओं में बंध प्रकृति और इनके विशिष्ट गुण जैसे कि चुंबकीय गुण, स्पेक्ट्रम आदि की विवेचना में अणु कक्षक सिद्धांत का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और इसे सबसे सरल सिद्धांत माना जाता है. अणु कक्षक सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? अणु कक्षक सिद्धांत में एक तो समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक जो हैं आपस में संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं. नए बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की संख्या में परमाणु कक्षक संयोग करते हैं. बने हुए आणविक कक्षकों की जो आकृति है वो संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है. आणविक कक्षक किसी एक परमाणु से संबंध नहीं रख के उन सभी परमाणुओं के नाभिक से संबंध रखते हैं जिससे मिलकर अणु का निर्माण होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं और इस प्रकार आणविक कक्षक जो हैं वो पॉलीसेंट्रिक नाभिक की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि परमाणु जो कक्षक होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं. संयोग करने वाले जो परमाणु कक्षक हैं एक दूसरे के साथ मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. संयोग करने वाले परमाणु कक्षों की जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए. अलग अलग अगर सिमेट्री होगी तो उसमें ओवरलैपिंग की संभावना नहीं होती है. जो आणविक कक्षक हैं उनकी आधी संज्ञा जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल होती है और जो शेष आधी संज्ञा होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल होती है. एटॉमिक जो कक्षक होते हैं उनकी भांति जो मॉलिक्युलर कक्षक होते हैं वो पाउले के अपवर्जन के नियम का और हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन करते हैं और इस अतिव्यापन में पूरित, अर्धपूरित और रिक्त सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं. दो या अधिक परमाणु कक्षक एक साथ अतिव्यापन करके नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं जिनको कि हम मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप ही आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के साथ संबंध की व्याख्या हम उचित तरंग फलन के द्वारा कर सकते हैं. जिस प्रकार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से प्रभावित होते हैं, अणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी नाभिकों से प्रभावित या आकर्षित होते हैं, अतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और जो मॉलिकुलर कक्षक होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक और जो एटॉमिक कक्षक होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं. परमाणविक कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे एक तरंग फलन शाही के द्वारा निरूपित कर सकते हैं और यह तरंग फलन जो है शाही आणविक कक्षकों को भी प्रकट करता है. प्रत्येक शाही को परिभाषित करने के लिए निश्चित क्वांटम संख्याएं होती हैं. परमाणु कक्षक के समान ही एक अणु कक्षक को शाही और शाही स्टार जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रति इकाई आयतन या आवेश अभ्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं. एक अणु के प्रत्येक आणविक फलन शाही की निश्चित ऊर्जा होती है और अणु का जो कुल ऊर्जा का मान होता है उसके आणविक कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के योग में से इलेक्ट्रॉन अंतःक्रियाओं की ऊर्जा को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं. और परमाणु कक्षकों के समान ही जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अवबहु सिद्धांत या क्रमिक संरचना के अनुसार भरे जाते हैं. पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड का जो अधिकतम बहुलता का सिद्धांत है उसकी भी पालना होती है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किसी भी आणविक या आयनिक तंत्र के तरंग फलन को हल करने पर तंत्र के आणविक कक्षकों को प्राप्त कर सकते हैं. आणविक कक्षकों के लिए निकट तरंग फलन निकालने की कई सारी विधियां हैं. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधियां दो हैं, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा लीनियर एटम मेथड.